हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम कंटिन्यू करेंगे द एशेस दैट मेड ट्रीज ब्लूम चैप्टर को। दिस इज़ पार्ट टू। चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। जैसे कि आगे के चैप्टर में हमने पढ़ा था पिछले वीडियो में कि जो मास्टर है यानी कि गुड ओल्ड मैन है, वो अपने जो डॉग है म्यू को, उसके डेथ पर बहुत दुखी होता है और वो उसके जो समाधि होते हैं वहाँ जाके उसे श्रद्धांजलि देते हैं और उसे अपने प्यार भरे जितने भी उसके पेट नेम्स होते हैं ना, उनसे वो बुलाते हैं। आगे क्या होता है फ्रेंड्स, दैट नाइट द स्पिरिट ऑफ द डॉग अपीयर टू हिम इन अ ड्रीम। और उसी रात को क्या होता है, जो गुड ओल्ड मैन है जब वो सोते हैं तो उनके सपनों में उनका वो डॉग आता है और वो उन्हें कहता है कि मेरे समाधि के पास जो पाइन ट्री है ना, उस पाइन ट्री को आप काटो और काट के एक मोटर बना लो। मोटर यानी कि एक मशीन होती है जिसमें कि राइस पेस्ट्री को तैयार किया जाता है, ठीक है। इट्स अ टाइप ऑफ मिल, छोटा सा लकड़ी का बना हुआ, तो उससे आप बना लो और फिर उसका आप राइस पेस्ट्री उसमें से बना सकते हैं। सो द गुड ओल्ड मैन चॉप डाउन द ट्री। तो अगले दिन क्या करते हैं, वो जो गुड ओल्ड मैन है, वो मैन और वुमेन दोनों ही जाते हैं वहाँ पे उसके समाधि के पास, जो पाइन ट्री है उसको वो कट करते हैं और उसका वो एक सॉसर बना लेते हैं जिसमें कि वो राइस पेस्ट्रीज वगैरह बनाते हैं न्यू ईयर के टाइम में। तो अचानक से उन्होंने सोचा कि क्यों ना इसमें कुछ और भी हमारे जितने गेहूं और जितने दूसरे आइटम्स हैं, क्यों ना इसको भी पीस लिया जाए। मोटर है हमारे पास, मशीन है पीसने के लिए। तो वो जैसे उसको पीसना शुरू करते हैं ना, तो उनमें से क्या निकलता है, वो गेहूं वगैरह निकलने के जगह उनमें से क्या निकलता है, बहुत सारा गोल्ड कॉइन निकलना शुरू हो जाता है और दे ड्रॉप लाइक रेन, ठीक है। जितने भी गोल्ड कॉइन्स हैं वो उस राइस मशीन में से जो है गोल्ड कॉइन्स बन के निकलना शुरू हो जाते हैं। मीन वाइल द एनवियस नेबर पीप्ड इन एट द विंडो। अब ये चीज़ जो है, उनका जो बैड ओल्ड कपल थे ना, वो दोनों देख लेते हैं और देखते हैं कि अरे ये तो हमारा ही मतलब इस तरह का वो गोल्ड लेके आ रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ देखकर जो है वो बहुत ही ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं, क्या है ये, मशीन में से भी गोल्ड निकल रहा है। तो वो क्या करते हैं, दोनों एक दिन मिलकर वो जाते हैं और गुड ओल्ड मैन से वो मशीन मांग कर लाते हैं, ठीक है। मशीन मांग कर लाते हैं वापस और उसमें वो पीसना शुरू करते हैं ग्रेन्स को। लेकिन जब वो ग्रेन्स को पीसते हैं तो वो तो यही उम्मीद से पीसते हैं कि उनमें से भी गोल्ड कॉइन निकलेगा, बट उनमें से क्या निकलता है, बहुत सारे वॉर्म्स, कीड़े मकोड़े, ठीक है, केचुए और ये सब बहुत सारे गंदी चीज़ें उसमें से निकलना शुरू हो जाती है। अब इन दोनों को बहुत गुस्सा आता है, तो वो क्या करते हैं, वो जो राइस मिल थी उसको वो जला देते हैं, तोड़ मोड़ के और आग के हवाले कर देते हैं। नॉट लॉन्ग आफ्टर दैट द गुड ओल्ड मैन ड्रीम्ड अगेन। अब क्या है, जब उस गुड ओल्ड मैन को फिर दोबारा से सपना आता है कि जो विकेड पीपल हैं, विकेड ओल्ड मैन हैं, उन्होंने मेरा उस राइस मिल का पूरा सत्यानाश कर दिया, उसको पूरा जला दिया, ठीक है। अब तुम क्या करो, उस राख को लेके आओ, मेरे उस मिल के राख को लेकर आओ और उसे जितने भी पेड़ पौधे हैं उनमें छिड़क दो, तो वो आपके जो पेड़ है ना वो सभी खिल उठेंगे, उसमें बहुत सारे फूल आ जाएंगे। तो जो गुड ओल्ड मैन है वो अगले ही सुबह उठकर उस बैड ओल्ड कपल के घर में जाते हैं और मांगते हैं कि मुझे वो एशेस दे दो, वो जो जलाए हुए राख हैं वो मुझे दे दो। लेकिन जो है बैड ओल्ड कपल उस गुड ओल्ड मैन को बहुत ज़्यादा बेइज्जत करते हैं, ठीक है, कि आ गए मतलब बेग करने के लिए, भीख मांगने के लिए आ गए हैं, क्या चाहिए आपको, ये वो बहुत उल्टा फुल्टा करके उनको वहाँ से भगाना चाहते हैं। लेकिन जो है रिक्वेस्ट करता है गुड ओल्ड मैन कि वो प्लीज़ उसे कुछ राख दे दे उसमें से। तो वो क्या करते हैं कि ये राख का क्या करेगा भला, तो वो दोनों क्या करते हैं, उसे एक मतलब चीज़ में भर के और बहुत सारा राख जो है उस गुड ओल्ड मैन को दे देते हैं।
तो वो फिर क्या करते हैं, गुड ओल्ड कपल वो जाते हैं और वहाँ पे जाके जितने भी पेड़ पौधे हैं उस पर वो उस राख को छिड़क देते हैं। जैसे ही वो छिड़कते हैं उस राख को, स्प्रिंकल करते हैं पेड़ों में, उसमें से बहुत ही अच्छी सी एक खुशबू आनी शुरू हो जाती है और जितने भी ट्रीज थे मरे हुए वो सभी खिल उठते हैं। तो ये दोनों भी बहुत खुश हो जाते हैं। ठीक है, फिर क्या होता है, अचानक द कोविटस कपल ऑल्सो हर्ड द स्टोरी। अब वो क्या होता है, एक बार जो यहाँ पे देखते हैं कि विलेज के जो वो है ना, कहते हैं डैमियो, वो वहाँ से जाने वाले होते हैं। ठीक है, अब जैसे ही वो जाने वाले होते हैं तो सबसे पहले क्या है, डैमियो अगर वहाँ से पास करेंगे तो उनके लिए एक रूल था कि कोई भी बंदा उस डैमियो को देख नहीं सकता है। ठीक है, अगर कोई बाहर भी होगा घर के तो वो नील डाउन यानी घुटनों के बल बैठ के वो सिर झुका के बैठा रहेगा, लेकिन वो फेस नहीं करेगा डैमियो के। ठीक है, तो ये चीज़ क्या है, नोटिस करते हैं। अब क्या है, अगले ही दिन द कोविटस कपल ऑल्सो हर्ड द स्टोरी एंड गैदरिंग अप द रिमेनिंग एशेस। तो वो क्या करते हैं, बहुत सारा एशेस ये भी इकट्ठा करना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि बैड ओल्ड कपल सुन लेते हैं कि ऐसा हुआ था कि वो राख जैसे ही छिड़का उन्होंने तो सारे जो ट्रीज थे उसमें खिल उठे, बहुत सारा फ्लावर वगैरह आ गया। अब क्या है, द काइंड ओल्ड मैन हियरिंग दैट हिज लॉर्ड द डैमियो वॉज टू पास अलॉन्ग द हाई रोड नियर द विलेज सेट आउट टू सी हिम टेकिंग हिज बास्केट ऑफ एशेस एज द ट्रेन अप्रोच। तो वो क्या कहते हैं कि एक बार जब गुड ओल्ड मैन को पता चला कि वो जो डैमियो हैं वो वहाँ से गुजरने वाले हैं, उस ट्री के नीचे से गुजरने वाले हैं, तो उन्होंने क्या किया, वो उस राख के बास्केट को लेकर पेड़ पर चढ़ के बैठे हुए थे। Now in the days of Damios it was a custom when the lord passes by for all the loyal people to shut their, जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि जब वो डैमियो वहाँ से जाने वाले होते हैं सबको विंडोज़ डोर सब कुछ बंद करना होता था, इनकेस कोई बाहर होता है तो उसे नील डाउन करके बैठना पड़ता था। तो इसी दौरान क्या हुआ, जैसे ही वो जो उनका प्रोसेशन है यानी कि जो राजा जो उनका डैमियोस का झुंड था वो वहाँ से जाने वाले थे, गुजरने वाले थे, उसी टाइम क्या किया, जो गुड ओल्ड मैन थे कपिल, उन्होंने ट्रीज़ के ऊपर से वो एशेस छिड़कना शुरू किया। ठीक है, अब जो नीचे प्रोसेशन के साथ जो डैमियो के साथ दूसरा लोग था उन्होंने देखा कि अरे ये तो बूढ़ा सा आदमी एक पेड़ पे बैठा हुआ है, ये क्या किसी का बुरा कर लेगा। ठीक है, तो वो कुछ कहता नहीं है। तो फिर क्या है, वो दोनों ही वहाँ से जो एशेस है वो छिड़कना शुरू करते हैं। जैसे ही एशेस छिड़कते हैं और उसमें से बहुत सारे जो फ्लावर्स वगैरह हैं वो ब्लूम करके खिल कर और उस डैमियो के ऊपर गिरने लगते हैं। जो डैमियो होते हैं वो बहुत खुश हो जाते हैं कि कितनी अच्छी खुशबू आ रही है, कितना अच्छा फ्रेग्रेंस है, साथ में ही इतने सारे फूल भी बरस रहे हैं, तो वो बहुत डिलाइटेड बहुत खुश हो जाते हैं। एंड इवन इन्वाइटेड हिम टू द कैसल, और फिर वो गुड ओल्ड मैन कपिल को अपने कैसल यानी कि अपने महल में बुलाते हैं और वो उन्हें रिवॉर्ड करते हैं। ठीक है, बहुत सारे गिफ्ट्स देते हैं, बहुत सारा गोल्ड देते हैं। ठीक है, और फिर वो दोनों ही अगेन बहुत रिच हो जाते हैं। सो द ओल्ड मैन वेंट ग्लीफुली होम टू शेयर हिज जॉय। अब ये जो खुशी की बात थी तो वो गुड ओल्ड कपल दोनों ही घर में आते हैं और बहुत ही खुशी से अपना जो है टाइम स्पेंड करने लगते हैं। अब ये बात जो है दोबारा से उन बैड ओल्ड कपल्स के कानों में चली जाती हैं, तो वो भी क्या करते हैं, एशेस इकट्ठा करके और उसी चेरी ट्री पर चढ़ के बैठ जाते हैं कि जैसे वो डैमियो यहाँ से पास करेंगे वो भी उनके ऊपर जो है एशेस छिड़केंगे तो वो भी फ्लावर्स बन के नीचे आएंगे और जो डैमियो हैं वो खुश होकर उन्हें भी रिवॉर्ड करेंगे। बट ऐसा नहीं होता है, जैसे ही डैमियो का जो प्रोसेशन है वहाँ से गुजरता है और वो दोनों जैसे ही वहाँ से राख को छिड़कते हैं तो उसमें से बहुत ही फाउल स्मेल यानी बहुत गंदी सी स्मेल जो है वो जाती है और पूरा का पूरा राख जो है वो डैमियोज के आँखों में नाक में चली जाती है। और इससे क्या होता है, डैमियो बहुत गुस्सा हो जाते हैं और वो उन दोनों को ही पनिश करते हैं और उन्हें बोलते हैं कि इनको बहुत मारो,
और वो क्या करते हैं, जो पोजीशन था वो उनको बहुत मारते हैं, बहुत मारते हैं बैड ओल्ड कपल को, जिससे क्या होती है उन दोनों की ही डेथ हो जाती है। अब क्या है, इससे उनको जो बैड डीड्स हैं उसके लिए उन्हें पनिशमेंट मिल जाता है। Thus the wicked old man died in the mud, but the kind friend of the dog dwelt in peace and plenty, and both he and his wife lived in a green old age. अब क्या है, इससे क्या होता है, बहुत बहुत खुश हो जाते हैं जो ओल्ड गुड ओल्ड कपल थे, वो बहुत खुश होते हैं, वो बहुत ही अच्छे से अपना टाइम ज़िंदगी बिताने लगते हैं। लेकिन जो बैड ओल्ड कपल हैं वो अपने करनी का फल उनको मिल जाता है, जिससे कि म्यूको की आत्मा को भी शांति मिलती है कि उन्हें अपने जो जो भी उन्होंने किया था उसके लिए पनिशमेंट मिला। तो ये था फ्रेंड्स हमारा चैप्टर, आई होप बहुत ही अच्छा लगा होगा आपको। कीप वॉचिंग माई चैनल, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू एंड टेक केयर।